गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्पेशल नेमिंग वर्ड। ये आपके इंग्लिश पल्स बुक का पेज नंबर 7 है। ये तो है ग्रामर पोर्शन का, लेकिन ये इंग्लिश बुक से मैं आज पढ़ा रही हूँ। स्पेशल नेमिंग वर्ड, स्पेशल नेमिंग वर्ड क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको समझाऊंगी। All of us have our own names. हम सबों का अपना अपना नाम होता है। They are our special name. उस नेम को हम कहते हैं special name. जैसे मेरा नाम सुमन है तो सुमन क्या हुआ? Special नाम हुआ। उस तरह आप सारे बच्चों का अपना अपना नाम है, तो आपका जो अपना नाम है उसको हम क्या बोलेंगे? Special name. जैसे आपका नाम अगर रोहन है तो रोहन क्या हुआ? Special name हुआ। ए प्लेस और एनिमल में also have a special name। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी जगह का और जानवर का भी स्पेशल नेम होता है। जैसे आपका स्कूल सीतामढ़ी में है तो इस जगह का नाम है सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी क्या हुआ? स्पेशल नेम हुआ। ओके, उसी तरह अगर किसी जानवर का नाम यानी एलिफेंट का नाम बुक्का है तो बुक्का हुआ स्पेशल नेम। अगर एलिफेंट का नाम पप्पू है तो पप्पू क्या हुआ? स्पेशल नेम। अगर किसी डॉग का नाम टफी है तो टफी क्या हुआ? स्पेशल नेम। डॉग हुआ कॉमन नेम, लेकिन टफी हुआ स्पेशल नेम। ओके, तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि स्पेशल नेम क्या होता है। दूसरी बात, स्पेशल नेम के बारे में आप ये भी जान लो कि स्पेशल नेम जब हम लिखते हैं तो चाहे वह सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या लास्ट में हो, स्पेशल नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, टप्पी, किट्टी, टीना, जो भी नेम है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, तो आप देखो बेटा, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है राइट ऑल द स्पेशल नेम्स। देखिए, राइट ऑल द स्पेशल नेम्स यू कैन फाइंड इन द स्टोरी इन द करेक्ट कॉलम। इसमें आपका चार कॉलम बना हुआ है। पहला कॉलम पीपल का है, दूसरा प्लेस का, एनिमल का और थिंक का। चार कॉलम बना हुआ है, तो पहला कॉलम पीपल का है और आपसे बता रहा है कि स्टोरी में जितने भी स्पेशल नेम है, पीपल का स्पेशल नेम है वो आपको लिखना है। तो आपने स्टोरी पढ़ा है, उसमें पुकान, साम, अन्नू, रागिनी, डेविड, किड्डी, ये सब क्या हुआ? स्पेशल नेम हुआ जो किसी पर्सन का है। सॉरी, किड्डी नहीं होगा, किड्डी को हम इरेज करेंगे। ओके, तो सिर्फ पुकान, साम, अनु, रागनी और डेविड होगा। ओके, उसके बाद प्लेस में गोवा होगा, एनिमल में किड्डी होगा और थिंग्स में मिल्क शेक होगा। ओके, आपके चैप्टर में यही है, इसलिए आप लोग समझ जाओ कि किसी भी जगह, व्यक्ति, जानवर और सामान का जो अपना खास नाम होता है उसे हम स्पेशल नेम कहते हैं। तो इस तरह से बेटा आपको आज का CW है पेज नंबर 8 लिटरेचर बुक का, आपका पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर C, A और B जो है आपका CW है, जो मैं करके भेज रही हूँ। और आप अपने CW कॉपी में अभी लिखोगे वीडियो सुनने के बाद, और होमवर्क के लिए आपको फिर होमवर्क दी जाएगी। थैंक यू।